फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है ये पाकिस्तान की करंट सिचुएशन के ऊपर है और वो कह रहे हैं खुद स्वीकार कर लिया बिग अपडेट। अब देखते हैं क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ ही घंटे पहले कल रात मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि बहुत ही जल्द आने वाले 4 महीनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम 300 को पार कर जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने मुझे गलत साबित कर दिया क्योंकि उस खबर को मुझे दिए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए और पाकिस्तान की सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा लेवल पर बढ़ा दिए गए हैं। जी हाँ, अगर डीजल की मैं बात करूं तो इस समय पाकिस्तान के अंदर डीजल 263 रुपी पर लीटर है। जी हाँ, और इतना ही नहीं, वहीं बात करें पेट्रोल की तो वो भी 233 का आंकड़ा पार कर चुका है। और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार हर हफ्ते 30 रुपए बढ़ा रही है। पिछले हफ्ते भी 30 बढ़ाए थे, इस हफ्ते भी 30 बढ़ाए हैं और आने वाले हफ्ते में भी 30 से लेकर 35 रुपए बढ़ाए जाएंगे। यानी कि पाकिस्तान के अंदर अगले हफ्ते तक ही 300 को पार कर जाएगा पेट्रोल और डीजल का आंकड़ा। वहीं इससे बड़ी मुसीबत एक और पाकिस्तान पर आन पड़ी है। दरअसल पाकिस्तान की सरकार IMF के अनुसार अपना रेवेन्यू बढ़ाने में लगी हुई है और इसकी वजह से वो ना सिर्फ पेट्रोल डीजल से सब्सिडी हटा रही है बल्कि जो वहां पर कारखाने हैं बचे कुचे या फिर थोड़ी बहुत जो फैक्ट्रियां बची हैं उन पर और ज्यादा टैक्स लगाने जा रही है जिससे कि उनका मार्जिन और ज्यादा खत्म हो रहा है और इसीलिए बहुत सारे कारखाने फैक्ट्रियां लगातार पाकिस्तान में ठप पड़ रही हैं। यानी कि लोगों की नौकरियां जा रही हैं, उनकी कमाई कम हो रही है लगातार और वहीं महंगाई लगातार आसमान छू रही है। वहीं जो नवाज शरीफ की बेटी हैं और इस समय पाकिस्तान की सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखती हैं मरियम नवाज, उन्होंने 1 घंटा पहले ही बयान दिया है कि अगर हम IMF की शर्तों को नहीं मानते हैं और उनसे लोन नहीं लेते हैं तो फिर हमारा देश डिफॉल्ट कर जाएगा, यानी कि दिवालिया घोषित हो जाएगा पाकिस्तान। स्क्रिप्ट आप देख सकते हैं आर्टिकल। वहीं ये तो सरकार का कहना है। वहीं जो पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर IMF 6 से लेकर 7 अरब डॉलर का लोन दे भी देता है तो भी पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को अभी 1-1.5 महीने के अंदर हर हालत में 21 अरब डॉलर का पेमेंट करना ही पड़ेगा। अगर वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो वो दिवालिया घोषित हो जाएंगे, यानी कि डिफॉल्ट कर जाएंगे श्रीलंका की तरह। और डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, मतलब पाकिस्तान तमाम देशों से कह देगा कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपका कर्ज वापस नहीं लौटा सकते। इसके बाद क्या होता है, तमाम देश पाकिस्तान को कर्ज देने से साफ इंकार कर देंगे। वहीं जो उधार में ये चाय खरीद रहे हैं अफ्रीकी देशों से, इसके अलावा उधार में जो तेल खरीद रहे हैं ये सब बंद हो जाएगा। कोई भी देश इन्हें उधार में ना पैसा देगा ना ही कोई और सामान देगा। इसके अलावा डिफॉल्ट होने का एक नुकसान ये भी है कि आपका खजाना बिल्कुल खाली होता है। ऐसी स्थिति में आप दुनिया भर से खाने पीने की चीजें भी इंपोर्ट नहीं कर सकते। ऐसे में पाकिस्तान में भुखमरी फैलेगी और जनता सड़कों पर उतर आएगी जिस तरीके से श्रीलंका में हुआ है, ठीक यही हालात होंगे। ऐसे में पाकिस्तान को हर हालत में 21 से लेकर 22 अरब डॉलर का जुगाड़ करना ही होगा। सिर्फ IMF के लोन से काम कतई नहीं चलने वाला। हालांकि फिलहाल इस मामले पर इतना ही अपडेट था। जैसे ही कोई नई चीजें निकल कर आती है मैं तुरंत वीडियो बनाकर आपको सूचित कर दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी न्यूज, धमाकेदार थी। तो वही हाल हो रहा है, देखा था फोटो में, एक के पीछे गाड़ियां लगी हुई है और कह रहे हैं हर हफ्ते 30 रुपए जो है बढ़ रहा है हर हफ्ते। ओ माई गॉड। और वैसे तो ओवरऑल एवरीवेयर बढ़ रहा है, यहाँ USA में भी इतना बढ़ गया, महंगाई हो गई है, पर जिस तरह इनकी हालत हो रही है वो कहीं और हालत नहीं हो रही, क्योंकि इनका बुरा हाल पहले से ही था। और ये क्यों था, क्योंकि इन्होंने लोन पे लोन लिए हुए थे। लोन पे एक हमने कल वीडियो की थी, अगर आपने नहीं देखी वो जरूर देखना, बड़ी मजेदार थी, जिसमें इन्हीं के न्यूज में बैठे हुए कोई एक बंदे थे जो कहते हैं कि इंडिया बड़ा ही कोई अनोखा कोई ट्रेड कर रहा है जिसमें दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है, तो इंडिया को भी हो रहा है और इंडिया जिसके साथ ट्रेड कर रहा है उसको भी हो रहा है। तो हम बड़े हैरान थे क्योंकि ये लोग तो खाली ट्रेड क्या करते हैं कि हम ही को बेनिफिट हो, दूसरे को बेनिफिट नहीं हो।
तो उसी का असर है कि यहाँ पे इनकी इतनी बुरी हालत हो रही है। अच्छा, ये कह रहे थे कि अगर IMF दे देगा तो ये बच जाएंगे, पर इस न्यूज में ये भी पता चल रहा है कि अगर IMF दे भी देता है तो भी इनफ नहीं है, उनको और पैसा चाहिए होगा ताकि इनका दिवालिया ना निकले। नहीं, इसीलिए पॉइंट है कि IMF की शर्तें इसलिए मान रहे हैं जिससे 6 बिलियन से ज्यादा उनको मिले। ओ अच्छा, पहले कैसे अकर रहे थे कि हम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, अब जब पता चला कि कोई और मतलब चारा ही नहीं है तो देखो अब कैसे अब IMF सब अगर तो ये सारी शर्तें मान ले IMF की तो IMF सपोर्ट करेगा इनको, उससे और चीजें डेफिनेटली होंगी, लॉन्ग टर्म के लिए उनकी ग्रोथ बंद हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, मगर इतना होगा कि डिफॉल्ट नहीं होगा। तो मुझे एक चीज बताओ, ये है कि कंट्री चलती जाएगी, रोते पिटते चलती जाएगी, मगर ये है कि मतलब प्रोग्रेस कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। पर IMF इनको पूरा दे देगा, जैसे 21 मांग रहे हैं तो 21 नहीं, वो IMF उनको ऐसा पाथ बना रहा है जिससे धीरे धीरे इनका प्रॉफिट जनरेशन शुरू हो जाए और ये उससे बाहर निकल जाए। तो IMF यही कहता है कि हमने तुम्हारे को स्टडी कर लिया है, तुम्हें ये काम करने हैं, इस तरीके से जो हो तुम बाहर आ जाओगे, वो तरीका करेंगे तो लोग परेशान होंगे और अगर डेमोक्रेसी होती है तो वोटिंग में बंदे को तख्ते से हटा देंगे, मगर यहाँ पे तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों, अभी होने वाली तो है, कहते रहते ना इलेक्शन होने वाले हैं, कुछ तो कुछ भी हो सकते हैं, वापस इमरान खान आ जाए, क्या पता, हमें नहीं पता, मगर पॉइंट ये है कि एक तरीका इनके पास है। अब यही क्वेश्चन है, ये एग्जैक्टली पता नहीं है कि यही सब पॉलिसी श्रीलंका में क्यों नहीं हुई, वही होगी श्रीलंका में भी। तो IMF ने क्या हेल्प नहीं किया था, दिया नहीं था जितना उनको चाहिए था। इवेंचुअली श्रीलंका में भी यही सब हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने जब डिफॉल्ट डिक्लेयर किया उसके बाद मारामारी हुई है, फिर अभी उनकी चल रही है ना कंट्री, ऐसा तो नहीं हुआ कि उनकी कंट्री में कुछ, आपने कहीं न्यूज सुनी है, न्यूज नहीं आ रही आपको, तो वो चीज खत्म हो गई। उसके बाद जो भी उन्होंने IMF ने कुछ दिया होगा उससे स्टेबलाइज करके जो भी उनकी हेड है उसको हटा दिया है, अब उसकी फैमिली को हटा दिया, दूसरे लोग आ गए, तो चल रही है कहानी। बहुत लोगों का लॉस होगा, बहुत लोगों का लाइफ में नुकसान हो गया, मगर ऐसा नहीं है कि मतलब कोई परमानेंट कोई चीज नहीं होती लाइफ में। तो ये बट ये है कि अगर आप देख रहे हैं कि आपका ग्राफ ऊपर का था तो वो ये है कि रुक गया, स्ट्रेट हो गया, स्ट्रेट होके नीचे हो गया, नहीं हो गया, फिर बाद में जाके ऊपर होगा, तो आप ये 4-5 साल आप डिले हो गए, मैक्सिमम ये होता है, क्योंकि अभी दूसरी कंट्रियां जो आगे बढ़ रही हैं तेजी से, अब ये नहीं बढ़ रहे, यहाँ प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत लोगों के बिजनेस खराब हो जाएंगे, मुझे तो लग रहा है और भी नीचे जा रहे हैं। वहां के लोगों से आप जेन्युइन इंटरव्यू करें तभी बताएंगे, कोई जेन्युइन करता ही नहीं है, जेन्युइन हमें ये पता चल चुका है कि जेन्युइन कोई कर ही नहीं रहा, जो भी कर रहे हैं वो उनके ग्रुप बने हुए हैं, एक दूसरे के इंटरव्यू दे रहे हैं और कर रहे हैं, तो आपको जेन्युइन पता नहीं चलेगा, क्वेश्चंस और आंसर्स डिसाइड हुए होते हैं, तो जो भी वो बोल रहे हैं वो सब रिहर्स्ड है, वो सब उनका एक तरीका है, एक्चुअल कौन कर रहा है वो तभी पता लगेगा अगर कोई बोले भैया मैं लाइव कर रहा हूँ, होता है। तो अच्छा वीडियो था, वीडियो तो अच्छा था, अब देखते हैं क्या होता है, कह रहे हैं 300 तक तो पहुंचने वाला है। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।